दोस्तों आपको याद ही होगा, अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर चीन का एक जासूसी बलून पाया गया था। ऐसे में यह जासूसी बलून 4-5 दिन तक अमेरिका के ऊपर ही उड़ता रहा था, और जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचा तो अमेरिका ने इस जासूसी विमान को मार गिराया था। हालांकि चीन ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था कि उसने इसे वेदर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि चीन ने इस बलून को जासूसी के लिए अमेरिका भेजा था, जिसे अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने F-22 रैप्टर से मार गिराया था। ऐसे में हमने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा और चीन से हर हाल में बदला लेगा, और अब अमेरिका ने ऐसा भी कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चीन से बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या कुछ किया है, तो चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दोस्तों अमेरिका चीन से जासूसी बैलून का बदला लेगा, यह बात अब सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका ने चीन से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। लेकिन यह खबर बताने से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकारी यह दे दे कि अब से एक हफ्ते पहले जैसे एक स्पाई बैलून अमेरिका में दिखा था जिसे अमेरिका ने मार गिराया था, ठीक ऐसा ही एक गुब्बारा उससे कुछ घंटों पहले कनाडा के ऊपर घूमता पाया गया था, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री के आदेशों के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने F-22 फाइटर जेट से मार गिरा दिया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह बैलून कनाडा के ऊपर दिखा तो कनाडा की सरकार ने इसे ट्रैक किया और आदेश तो उन्होंने दिया, तो फिर अमेरिकी एयरफोर्स ने उसे क्यों मार गिराया? इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट है, जिसके तहत अगर किसी एक पर कोई खतरा आता है तो दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए एक चीनी जासूसी गुब्बारे के खिलाफ दोनों ने ज्वाइंट कार्यवाही की। आप अगर बात करें अमेरिका के बदले की, तो यह बात तो सभी जानते थे कि जिससे अमेरिका के अंदर चीनी जासूसी बैलून की बात सामने आई थी, तो यह बात तो तय हो गई कि अमेरिका इसका बदला हर हाल में लेगा। ऐसे में अमेरिका जब भी किसी से बदला लेगा तो वह दो तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वह आदेश उस देश को फाइनेंशियली हिट करता है, और उसके बाद वह उस पर सैन्य कार्रवाई करता है, और अमेरिका ने अब ऐसा ही कर दिखाया है। जी हां, अमेरिका ने पहले से ही इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। सबसे पहले अमेरिका ने चीन की कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के अधिकारियों पर और उन कंपनियों के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगा दिए, और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों को टारगेट किया है। इतना ही नहीं, अब सैन्य कार्रवाई की बात भी हो रही है। अमेरिका के जंगी बेड़े चीन के आसपास दक्षिणी चीन सागर में एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन और चीन के खिलाफ ले सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्या कर सकता है, उसके पास क्या-क्या ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिका अपने F-22 रैप्टर या F-35 में से किसी एक लड़ाकू विमान को चीन के बहुत ही करीब, हो सके तो चीन के अंदर ही घुसा सकता है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। दरअसल 2019 में चीन की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे भारत के लिए मुंबई है, ऐसे में चीन के लिए फाइनेंशियल कैपिटल है शंघाई, तो अमेरिकी लड़ाकू विमान शंघाई के 70 किलोमीटर करीब तक पहुंच गए थे। जी हां, जहां पर अमेरिका के लड़ाकू विमान थे वहां शंघाई की दूरी मात्र 70 किलोमीटर रह गई थी। ऐसे में इतना ज्यादा करीब अमेरिका ऑलरेडी जा चुका है, और आगे जाके अगर अमेरिका चीन के अंदर भी घुस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका के पास 22 रैप्टर विमान मौजूद है जो इस काम को बड़ी आसानी से कर देगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों G7 देशों को रूस ने हराया है। G7 देश जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 सबसे पावरफुल देशों का एक संगठन है, जिसे अब रूस ने हरा दिया है। रूस का क्या मास्टर स्ट्रोक है, और इन सब के बीच अमेरिका ने भारत में कुछ अपनी टीमें भेजी है। क्यों भेजी है, इसका क्या कारण है, और क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ऐसे में यह लग रहा था कि अमेरिका पहले से प्लान करके बैठा हुआ है, और अमेरिका ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए, और अमेरिका का टारगेट यह था कि रूस को एकदम से तितर बितर करके उसे घुटनों पर ला देना है। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के तरीकों से लग रहा था कि अमेरिका पहले से ही प्लान करके बैठा था कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना है,
इसके फॉरेन रिजर्व पर कब्जा कर लेना है, डॉलर से बाहर कर देना है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देने हैं। मतलब अमेरिका यह हर तरह से सोचकर बैठा था कि रूस को किस तरह से तोड़ना है। ऐसे में रूस पर लगातार प्रतिबंध लगते गए और यह माना गया कि जल्दी रूस घुटनों पर आ जाएगा और बिखर जाएगा, जिसके बाद रूस के अंदर महंगाई फैलेगी। इसके बाद वहां की जनता गुस्से में आएगी और वहां तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका की प्लानिंग तो काफी सही थी, लेकिन अब एक साल होने को आ रहा है और इस दौरान देखा गया कि रूस के अंदर महंगाई बढ़ी और सारी चीजें कंट्रोल में है और ना ही रूस टूटा। और यह कहा जा रहा है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था में G7 देशों को पार कर देगा, यानी कि G7 देश जो कि काफी लगातार ताकतवर माने जाते हैं, और G7 देशों को रूस आर्थिक तौर पर पार कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, मानो उनकी ही अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई और रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। दोस्तों IMF से यह साफ साफ कहा गया कि G7 हार गए रूस के सामने। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस ने ऐसा कैसे किया, तो आपको बता दें कि रूस इसके लिए पहले से तैयार था और रूस को पहले से पता था कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, इसलिए उसने ढेर सारा सोना खरीदा था, क्योंकि करेंसी पर जितना भी प्रतिबंध लग जाए सोने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगेगा और उसका प्राइस हर साल बढ़ता है। इसके अलावा रूस ने अपने सेंट्रल बैंक को भी काफी अच्छे से हैंडल किया और यह साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर किसी भी कीमत में महंगाई नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी था अपने व्यापार को बढ़ावा और रूस ने इसको भी किया। हालांकि यूरोपियन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन रूस को नए पार्टनर मिल गए जिनमें चाइना, तुर्की, भारत और ब्राजील जैसे देश शामिल है। रूस ने इन सभी देशों को डिस्काउंटेड प्राइस में सम्मान दिया, जिससे इन देशों ने अपने व्यापार को 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया और रूस ने इस दौरान रूबल में ही व्यापार किया। ऐसे में रूस के पास हर तरफ से पैसे आते रहे और इन्हीं वजह से रूस ने अपने GDP ग्रोथ रेट को G7 देशों की तुलना में काफी ज्यादा रखा। दोस्तों एक तरफ जहां रूस आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने के बाद भारत में खुशी की लहर है, व्यापारियों में भी और उन कंपनियों में भी जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले हैं। ऐसे में अब अमेरिका भी चाह रहा है कि लिथियम के अलग अलग भंडारों में उसका कब्जा हो और वह कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में लिथियम को ले सके, क्योंकि अब तक रेयर मटेरियल का 90% कब्जा चाइना का हुआ करता था, लेकिन अब क्वाड देशों ने अपने देशों में रेयर अर्थ मटेरियल खोजना शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी टीम को भारत भेजा है भारत से बातचीत करने के लिए कि भारत में जो लिथियम का भंडार पाया गया है उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।